अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे साइंस का यूनिट नंबर 10, मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पहले से ही मालूम है मैग्नेट्स के बारे में, और कुछ चीज़ें हमने पढ़नी है। तो रिकॉल में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं, वो है मैग्नेट्स के बारे में कि मैग्नेट्स कितने यूज़फुल होते हैं। मैग्नेट्स आर यूज़फुल, सम मटीरियल्स आर मैग्नेटिक एंड अदर्स आर नॉन मैग्नेटिक। मतलब हम मैग्नेटिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और नॉन मैग्नेटिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। अ मैग्नेट हैज़ अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक को नॉर्थ कहते हैं और दूसरे को साउथ कहते हैं। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल सेम पोल रिपेल ईच अदर। मैग्नेट्स नीड टू बी स्टोर्ड केयरफुली टू प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजेशन। जैसे हर चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है, इस तरह मैग्नेट्स को भी हमें केयर से रखना चाहिए, अदरवाइज वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, अपनी पावर लूज़ कर देते हैं। अब हम मज़ीद एडवांस लेवल की तरफ क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, हम अर्थ के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद है, जो अल्लाह ताला ने प्रोड्यूस की हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम मैग्नेटिक कंपासेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि नेविगेशन में किसी भी पोजिशन को लोकेट करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। अब मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ आयरन और स्टील विच कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल लाइक आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो मैग्नेट एक आयरन और स्टील का छोटा सा टुकड़ा होता है जो मेटल से बनी हुई चीज़ों जैसे कि आयरन, स्टील हो गई, निकल एंड कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द मेटल्स विच कैन बी अट्रैक्टेड बाई अ मैगनेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल। मतलब हर वो चीज़ या हर वो मेटल जो एक मैगनेट से मैग्नेटाइज हो जाती है, उसे हम मैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं। जैसे कि आप अभी इस फिगर में देख रहे हैं कि इस फिगर में हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसमें दो पोल्स हैं, एक को उन्होंने ब्लू से दिखाया हुआ है और एक को उन्होंने रेड से शो किया हुआ है। अब ब्लू पे साउथ पोल है। साउथ पोल अगर आप देखें कि मैग्नेट के जो सेम पोल्स होते हैं उसमें साउथ पोल है, वो आपस में रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को परे हटाते हैं एक दूसरे से। जबकि अगर हम अपोजिट पोल्स रख दें, यानी कि हम नॉर्थ पोल रख दें और साउथ पोल रख दें, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आपको याद होगा, डू यू रिमेंबर, मैग्नेट्स डू नॉट ऑलवेज अट्रैक्ट वन अनदर। अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल नेवर अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल नेवर अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल। मतलब अगर यहाँ पर साउथ की जगह मैं नॉर्थ रख दूँगी, मतलब यूँ क्रॉस में अगर करके देख लें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं अपोजिट कर दूँ, साउथ को और नॉर्थ को मिला दूँ, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नॉन मैग्नेटिक है। उसकी एग्जांपल्स में हमें यहाँ पर दिया हुआ है ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड, जो कि कॉमन सी चीज़ें हैं और हमारे घर में, हमारे स्कूल में हर जगह मौजूद होती हैं, उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं। मैग्नेट्स नेवर अट्रैक्ट नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। मतलब अगर यहाँ पर मैग्नेट के किसी भी पोल के गिर्द मैं कोई भी ग्लास, वुड, प्लास्टिक की चीज़ रख दूँगी, वो तो इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि मैग्नेट्स आखिर वो क्या चीज़ है जिसके थ्रू मैग्नेट्स हमें हर उस चीज़ को, मेटल की बनी हुई चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो सब एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक घेर है जो एक मैग्नेट के गिर्द होता है, वो एक चक्कर है। तो एवरी मैग्नेट इज़ सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उसके गिर्द एक फील्ड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वो फील्ड इनविजिबल होता है, मतलब आम आंख से हम उस फील्ड को नहीं देख सकते। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर द फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक वो फील्ड है जहाँ पर जो मैग्नेट की फोर्स होती है, उसकी पावर होती है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। इसके हम एक एक्सपेरिमेंट से आपको दिखा सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है। उसके लिए आपको एक शीट ऑफ पेपर चाहिए, आपको एक बार मैग्नेट चाहिए, और उसके लिए आपको आयरन फिलिंग्स चाहिए। आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं? आयरन की छोटे छोटे से माइन्यूट से छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं जो हम इस क्या करते हैं, इस पेपर के ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं, और उसके नीचे हम क्या रख देते हैं, एक बार मैग्नेट। जब हम इस पेपर को ऊपर से ऐसे टैप करते हैं तो क्या होता है कि एक फील्ड, एक पैटर्न अरेंज हो जाता है उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के अकॉर्डिंग एक
पैटर्न अरेंज हो जाता है, उस पैटर्न को हम देख के हम बता सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको मैग्नेटिक फील्ड नज़र नहीं आ रहा, आपने जब ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड खुद से बन गया। सो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल एरिया है, लेकिन हम उसे एक एक्सपेरिमेंट से भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट चेक। वैसे तो ये बहुत मज़े की चीज़ है, आपने पिछले पेपर पे पिछले जो हमने अभी रीडिंग की है, जो मैंने आपको समझाया है, उसमें आपको मैंने कुछ मैग्नेटिक चीज़ों के बारे में बताया था और कुछ नॉन मैग्नेटिक चीज़ों के बारे में बताया था। तो नेम 3 मैग्नेटिक मटीरियल्स एंड 3 नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। अब मैग्नेटिक मटीरियल्स कौन से होते हैं, जो मेटल से मिलकर बने होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि आयरन चेयर, आयरन बोर्ड, एनीथिंग विच इज़ मेड ऑफ आयरन। एंड 3 नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स जिसे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, लाइक वुड, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एक मैग्नेटिक कंपस जो कि साइंटिस्ट ने खुद से इन्वेंट किया है, वो क्या चीज़ है। अब मैग्नेटिक कंपस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक कंपस एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें इंडिकेट करता है कि किस फील्ड कहाँ पे है वो मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक कंपस, यू कैन आल्सो ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपस। अ मैग्नेटिक कंपस इज अ सिंपल मैग्नेट दैट कैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ नॉर्थ एंड साउथ। आप देख सकते हैं ये एक मैग्नेटिक कंपस है जो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको खरीद के उसे यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ और साउथ पोल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे कि एक मैग्नेटिक कंपस को हम घर में कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए भी हमें 3 से 4 चीज़ें चाहिए होंगी। यू नीड अ बोल ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ कॉर्क और अ प्लास्टिक बॉटल कैप। कॉर्क कोई भी चीज़ होती है जो किसी चीज़ को बंद करती है। एक नीडल चाहिए, अ नीडल एंड अ कंपस। हमने क्या करना है कि हमने कुछ नेल को 30, 40, 45 times हमने क्या करना है, अपने मैग्नेट के ऊपर रब करना है। जब हम उसको रब कर लेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। हमने उस नीडल को रब करके तो उसे मैग्नेटाइज कर लिया। उसके बाद हमने उसे कॉर्क या प्लास्टिक बोतल के कैप में फिक्स कर देना है और उसे एक वाटर बॉल में हमने उसे फ्लोट करवाना है। आप देखेंगे कि ये जो नीडल है ये क्या करेगी, ये कभी टर्न करेगी यूं या फिर कभी ये रुक जाएगी। तो ये इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड खुद से अरेंज हो गया है, एक पैटर्न अरेंज हो गया है, जो कि हमने रबिंग अ मैग्नेट हमने इस नीडल को किया था और हमने एक मैग्नेटिक फील्ड को अपने एक बॉल ऑफ वाटर में खुद से क्रिएट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डीमैग्नेटाइजेशन क्या है। अब डीमैग्नेटाइजेशन क्या है, हाउ लॉन्ग अ मैग्नेट कैन रिमेन अ मैग्नेट डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैंडल इट। आप किस तरह से एक मैग्नेट को हैंडल करते हैं, किस तरह से उसकी केयर करते हैं, ये बताता है कि मैग्नेट कितनी देर चलेगा। मैग्नेट्स कैन लूज देयर पावर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो मैग्नेट्स हैं वो अपनी पावर को लूज़ कर सकते हैं, इफ़ दे आर नॉट हैंडल्ड केयरफुली, अगर हम उसे एहतियात से नहीं रखेंगे, आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, या उन्हें किसी बॉक्स में प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे। अगर फजूल से घर में कहीं पर भी मैग्नेट फेंक देंगे तो कुछ अरसे बाद वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। When a magnet loses its power, we say that it has become demagnetized. ठीक है, this happen if magnets are dropped repeatedly. अगर बार बार एक magnet को गिराया जाएगा, heated या उसे गर्म किया जाएगा, hammered, मतलब अगर हम हथौड़े से या किसी हथौड़ी से अपने magnet को बार बार hit करेंगे तब भी वो demagnetized हो जाएगा। Stored close to each other when not in use, जब उनको मिला के रख देंगे, मतलब मेरे पास 3 से 4 मैग्नेट है और मैं उनको मिला के रख दूँगी तब भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वो तरीके थे जो बताए जिन्होंने हमें बताया कि मैग्नेट किस तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। नाउ वी डिस्कस एंड आंसर दिस क्वेश्चन, विच आइटम्स इन योर क्लास रूम आर मैग्नेटिक एंड विच आर नॉट। हम ईजिली बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी हमारी क्लास रूम में चीज़ें हैं जो कि मैग्नेटिक हैं और कौन सी ऐसी हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक हैं। तो आप बता सकते हैं, जैसे कि आपके डेस्क क्लास में डेस्क होते हैं, ठीक है, वो आयरन के बने होते हैं, वो तो मैग्नेटिक हैं, लेकिन उनके ऊपर जो वुड है वो नॉन मैग्नेटिक है। इसके अलावा आपकी क्लास में मुख्तलिफ किस्म के, अगर फ्रेम्स कह लें, आपका अगर वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड के इर्द गिर्द जो आयरन की
आपको वो लेयरिंग हुई भी है। इसके अलावा आपके पास प्लास्टिक की अगर कोई बॉटल है किसी बच्चे के पास, उसके अलावा आपकी बुक्स हैं, बुक्स क्या हैं वो नॉन मैग्नेटिक हैं, वुड क्या है वो नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। अब हमने ये सीखना है कि हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रो मींस कि इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व है, और मैग्नेट मतलब एक सिंपल मैग्नेट चाहिए, मतलब हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट वो किस तरह से क्रिएट होगा वो हम पढ़ेंगे। देयर आर मैथड्स ऑफ क्रिएटिंग योर ओन मैग्नेट, देर यहाँ पर बहुत से तरीके हैं जिनसे जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। वन ऑफ दीज इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हम अपने घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जो सेल है इलेक्ट्रिक सेल, उसको यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू चेंज मैग्नेटिक मटीरियल इंटू मैग्नेट, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है घर में उसको हम यूज़ करते हुए एक आम से मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। फिगर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सेल है, एक पावर है, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई है, उसके भी दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। हमारे पास एक आयरन कॉयल है, ठीक है, हमारे पास आयरन नेल है। हमने क्या करना है, अपने नेल पर आयरन की जो कॉयल है उसको टर्न्स ले लेने हैं। हमने 4, 10, 20 हाउ मैनी टर्न्स यू कैन मेक यू मेक, ओके। देन हमने क्या करना है, इन टर्न्स की जो कॉयल है इसको एक हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देनी है और दूसरे को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है और अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई पर प्रोवाइड करनी है। इस तरह करने से हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेट दैट कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ, जिस तरह हम अपनी इलेक्ट्रिक, जैसे अब ट्यूबलाइट को ले लें, हम उसको अपनी मर्जी से टर्न ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, इसी तरह हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ कॉयल ऑफ वायर वाउंड ऑन अ कोर ऑफ सॉफ्ट इजीली मैग्नेटाइज्ड आयरन सच एज नेल, जैसे कि कील। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर द आयरन बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। This electromagnet produces a strong magnetic field. It can be switched on or off. With a simple homemade electromagnet, you can attract a needle floating on a cork in a water. You can increase the strength of an electromagnet by increasing the turns on the of coil around the iron nail, जैसे कि आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं कि ये टर्न्स दिए हुए हैं। अगर हम इन टर्न्स को बढ़ा देंगे तो हमारा जो पावर होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पावर होगी वो भी बढ़ जाएगी, और अगर हम अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई की पावर को भी बढ़ा देंगे तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो दो चीज़ों से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, एक तो हम अपनी कॉइल्स के टर्न्स को बढ़ा देंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई को बढ़ा देंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस को बढ़ा देंगे, तब भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन यूज, ठीक है, द एबिलिटी टू कंट्रोल मैग्नेटिज्म इज वेरी यूजफुल बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन अ नंबर ऑफ डिवाइसेज इन अवर डेली लाइफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन द स्पीकर्स ऑफ टीवीज एंड रेडियोज, इन ATM कार्ड्स, इन मोटर्स एंड इन कंप्यूटर हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा, मतलब आपके TV के जो स्पीकर्स हैं, आपके रेडियो के स्पीकर्स हैं, उनमें जो एक मैग्नेट होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ATM कार्ड मशीन, वहाँ पर भी मोटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं। हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारी डोर बेल्स में भी यूज़ होती है, जनरेटर्स में भी यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन डोर बेल्स एंड जनरेटर्स, दे आर यूज टू सेपरेट पैटल्स इन स्क्रैप यार्ड होता है जहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आयरन की चीज़ें पड़ी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स्ड आइटम्स मौजूद होती हैं।
स्क्रैप यार्ड में। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करते हैं मेटल को डिटेक्ट करने में। हम वहाँ पर अपना मैग्नेट यूज़ करते हैं और जो मेटल्स होती हैं वो उस मैग्नेट के साथ अटैच हो जाती हैं और इजीली हम अपनी मेटल्स को अलग कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ एबल टू पिक अप ग्रेट वेट्स, इट अट्रैक्ट्स ओनली द आयरन एंड द स्टील इन द स्क्रैप हीप। हीप होता है किसी ढेर को कहते हैं। मैग्लिव ट्रेन्स जो कि हमारे तो कंट्रीज में अभी ऑरेंज ट्रेन बनी है, लेकिन दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मैग्लिव ट्रेन्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इस मैग्लिव ट्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अटैच होते हैं जो कि स्पीडीली बहुत कम वक्त में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देते हैं। तो दिस ट्रेन कॉल्ड द मैग्लिव ट्रेन ट्रैवल्स विदाउट व्हील्स एट अ वेरी हाई स्पीड अलॉन्ग अ सिंगल ट्रैक। ये स्क्रैप यार्ड है और यहाँ पर हम मुख्तलिफ अपने हीप में से मेटल्स को जो कि आयरन और स्टील की बनी होती हैं उनको ईजीली सेपरेट कर लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि मैग्लिव ट्रेन किस तरह से काम करती हैं। अ मैग्लिव ट्रेन एंड द ट्रैक इट ट्रैवल जोन कंटेन पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आपको मैग्लिव ट्रेन नज़र आ रही है, इसके नीचे क्या है, ट्रैक बना हुआ है। ये दोनों के ऊपर क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं। दीज मैग्नेट्स आर अरेंज्ड इन वे, इस तरह से होते हैं, डैट द मैग्नेट्स एट द बॉटम ऑफ द ट्रेन एंड दोज ऑन द सरफेस ऑफ द ट्रैक फेस द सेम पोल। मतलब इन इसके ट्रैक पर और जो ट्रेन के नीचे लगे हुए हैं मैग्नेट्स, उनका जो पोल है वो सेम है। आप कह लें नॉर्थ है या आप कह लो दोनों साउथ है, और जिसकी वजह से वो दूसरे को रिपेल करते हैं और ट्रेन बहुत स्पीडीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल, द ट्रैक कंटेन्स मैग्नेट्स इन द नॉर्थ पोल फेसेस अपवर्ड, द ट्रेन कंटेन्स मैग्नेट्स इन विच द नॉर्थ पोल फेस डाउनवर्ड्स। सिंस सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज टर्नड ऑन, द ट्रेन फ्लोट्स जस्ट अबव द ट्रैक। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट चेक में हमारे कौन से क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज What surrounds every magnet? अभी मैंने आपको सब कुछ बताया कि मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेट के इर्द गिर्द कौन सा फील्ड होता है। तो आपने इस क्वेश्चन में इस बताना है कि मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या होता है। What surrounds every magnet? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड द लाइक और ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर? क्या जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसके लाइक और ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर कर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, वो आपने सिंपल बताना है। मैंने आपको सब बताया था कि ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं और लाइक पोल्स क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपने उसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट 3 वेज इन विच अ मैग्नेट कैन बिकम डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज को आप यूँ कह लें कि हमारा मैग्नेट डैमेज किस किस तरीके से होता है, तो वो भी मैंने आपको बताया है, वो भी आप इजीली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम 4 डिवाइसेस विच यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब 4 ऐसी डिवाइसेस, ऐसी मशीनरीज या ऐसी मशीन जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, आप बताएं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। तो वो लास्ट में हमने डिस्कस किया, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा, अब हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में हमें चूज़ द करेक्ट आंसर यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हमने पढ़ने हैं, जिसे आप इजीली अपने पेरेंट्स या अपने बहन भाइयों की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये आपका टास्क है और इसे आपने कंप्लीट करना है और ये आपके लिए बेहतर है। यहाँ पे मेक दिस सेंटेंसेज हैं विद ट्रू और फॉल्स, इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फिलिंग दी ब्लैंक्स में भी आपने क्या बताना है, जो ब्लैंक है वो आपने इजीली आप इजीली इसे कवर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ कि अ पीस ऑफ आयरन और स्टील दैट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन और स्टील इज़ कॉल्ड अ मैग्नेटिक मटीरियल और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। सो आगे भी आपने खुद से ये करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपने बताना है कि क्वेश्चंस किस तरह से क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, जैसे एक हमारे पास जो पार्ट है उसमें बताया हुआ है कि मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं। आपको पता है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं, मैंने आपको उनको एग्जाम्पल दे के समझाया, हर तरह से समझाया, और ये आपका टास्क है और आपने इसे खुद से कम्प्लीट करना है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है, वो क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में
बताएंगे एक्सप्लेन एनी थ्री वेज टू डी मैग्नेटाइज अ मैग्नेट, और बताएंगे वो वेज कौन से हैं जिसमें हम एक मैग्नेट को डी मैग्नेटाइज कर सकते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद ही से सॉल्व करना है। हाउ कैन यू टर्न एन आयरन नेल इनटू अ मैग्नेट, आप किस तरह से एक सिंपली आयरन नेल घर पे यूज़ करते हुए एक मैग्नेट को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब दो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी कि अगर हम कॉइल के टर्न्स को इंक्रीज़ कर देंगे या फिर अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा मैग्नेट स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हम उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हैं। राइट एनी थ्री यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन डेली लाइफ, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, हमारे टीवी स्पीकर्स में यूज़ होते हैं, रेडियो में यूज़ होते हैं, मैग्लेव ट्रेन में यूज़ होते हैं, डोर बेल्स में यूज़ होते हैं, तो इजीली यू कैन आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्पेशल टॉय ट्रेन इज एबल टू फ्लॉट अबव इट्स ट्रैक, यूज़ योर नॉलेज अबाउट मैग्नेटिक रिपल्शन टू एक्सप्लेन हाउ दिस इज डन, तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है और इसे आप इजीली परफॉर्म करके और लिख भी सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप को ये एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करनी है, और अगर आप चाहें तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे फिर भी ये नहीं सॉल्व होगी तो हम आपको पीडीएफ फाइल में सारे आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके बाय।